भज मन गोविंद गोपाला, 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 गोविंद गोपाला गोपाला, गोविंद गोपाला गोपाला, गोविंद गोपाला गोपाला, गोविंद गोपाला गोपाला, भज मन गोविंद 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 गोपाला, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद सभी गाइए गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो गोपाल बोलो, गोविंद बोलो गोपाल बोलो, गोविंद बोलो गोपाल बोलो, गोविंद बोलो गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद 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 बोलो, भज मन गोविंद भज मन गोविंद गोपाला, भज मन गोविंद गोपाला, गोविंद गोपाला गोपाला, गोविंद गोपाला गोपाला, गोविंद गोपाला गोपाला, भज मन गोविंद गोपाला, भज मन गोविंद गोपाला, भज मन गोविंद गोपाला, भज मन गोविंद गोपाला, हरे रामा हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे हरे, हरे रामा हरे हरे, हरे कृष्णा हरे हरे, हरे रामा हरे हरे, हरे कृष्णा हरे हरे।
हरे रामा हरे 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 कृष्णा हरे हरे। यहाँ प्रभु ने कृष्ण जो है कंस का उद्धार किया, चारों तरफ आनंद उमड़ आया है। जब से कंस मथुरा की राजगद्दी पर बैठा था, कहीं कोई याज्ञिक अनुष्ठान नहीं होते थे, चारों ओर उसका आतंक व्याप्त था। किसी को मुस्कुराते हुए कभी नहीं देखा, लेकिन आज सब जी भर करके आनंदित थे। देवता भी ऊपर से पुष्प वृष्टि करते हैं। आज पाप का अंत हुआ है धरती पर। इस दुष्ट के इस पाप बोझ से पृथ्वी भी दुखी थी। इधर सारे कन्हैया ने अपने सखाओं से कहा कि तुम अभी जाओ, मैं बाद में आऊंगा। सखा बोले, भैया तैने परसों आवे की कही, सब तेरी बाट देख रहे होंगे। कन्हैया बोले, मैंने कहा ना मुझे अभी बहुत काम है, तुम जाओ मैं बाद में आऊंगा। सखा बोले, ऐसे कैसे चले जामे, तो ये अपने साथ में लेके जामेंगे। कन्हैया बोले, जाओ अभी। सखा हट करवे लगे तो कन्हैया ने उनको झिड़क दिया। सखा बोले, ये मथुरा में आते ही आपको कहा है गो, आज तक तो कन्हैया ने कभी हमसे ऐसी बातें ना करी। कन्हैया ने मुख मोड़ लिया। सखाओं को लगा हमसे कितनी देर तक दूर रह पाएगा, अभी पीछे पीछे दौड़ करके आ जाएगा। लेकिन कन्हैया मुंह मोड़ करके आगे बढ़ गए। सखा पीछे मुड़ मुड़ करके देख रहे हैं, लेकिन कन्हैया लौट करके उनके साथ नहीं गए। इधर कन्हैया ने उग्रसेन जी को कारागार से मुक्त किया है, अपने माता पिता वसुदेव देवकी को भी कारागार से मुक्त किया। चारों ओर आनंद और शांति व्याप्त हो चुकी है। एक दिन इनका यज्ञोपवीत संस्कार हुआ और ये गुरु शिक्षा अर्जित करने के लिए, गुरु ज्ञान की प्राप्ति के लिए उज्जैन में सांदीपनी मुनि के पास आते हैं। माता बंधु, भारत की एक बड़ी अद्भुत परंपरा रही, चाहे कोई भी क्यों ना हो, गुरु ज्ञान के लिए सब पहले गुरुकुल में शिक्षा अर्जित करने के लिए जाते थे। यदि आप त्रेता का युग भी देखेंगे तो प्रभु राम वशिष्ठ जी से गुरुकुल में शिक्षा अर्जित करने के लिए गए, और उसी परंपरा का निर्वहन करते हुए द्वापर में भगवान कृष्ण भी उज्जैन में सांदीपनी मुनि के पास गुरु ज्ञान अर्जित करने के लिए गए हैं। अभिप्राय इतने कहने का है कि दुनिया से जो चाहेंगे वो इकट्ठा कर लेंगे, वो जानकारियां होंगी, ज्ञान तो किसी सदगुरु के चरणों में बैठकर प्राप्त होता है। और चाहे राम और कृष्ण क्यों ना बन जाएं, वे भी उसी परंपरा का पालन करते हुए गुरु चरणों में जाकर के शिक्षा अर्जित करते हैं।